हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव गर्ल जोमेस्टिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर वन केमिस्ट्री। क्लास नाइन्थ चैप्टर वन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके दो पार्ट पढ़ा दिए गए हैं और किसी कारणवश बाकी के पार्ट नहीं आ पाए, ठीक है ना, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण। लेकिन आप चिंता न करें, अब आपके पास सारे पार्ट कंटिन्यू आते रहेंगे और सभी बच्चे अपने घर में बैठ करके नोट्स बनाएंगे और अपनी तैयारी करेंगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं। हमारा जितना टॉपिक हो चुका था, ठीक है ना, जितना टॉपिक हो चुका था, ठोस द्रव गैस अवस्थाएँ हो चुकी थी और उनमें अंतर भी हो चुका था, तो आज हम चलते हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। हमारा जो टॉपिक है आज का है वो है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ठीक है ना, पदार्थ में अवस्था चेंज होती है, जैसे ठोस से द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है, गैस से द्रव बनता है, द्रव से ठोस बनता है, ये आपस में अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो कह सकते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसको हम किसी लैंग्वेज के थ्रू नहीं, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जैसे हमारा दे दिया जाए सॉलिड यानी ठोस, ठीक है ना, ये हमारा ठोस हो गया, ये हमारा द्रव हो जाता है, ठीक है ना, या एक काम करते हैं इसको हम गैस लिखते हैं और इधर हमने ले लिया द्रव। ये तीन अवस्थाएं होती हैं, आपको पता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना, ठोस, द्रव, गैस। अगर ठोस से कोई गैस बनता है, ठीक है ना, ठोस अवस्था से क्या होता है, गैस बनता है, जैसे कि हमारा कपूर होता है ना, अगर हम कपूर को जलाएंगे तो वो कंटिन्यू सीधे किस में चला जाएगा, गैस अवस्था में चला जाएगा, लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है ना, लिक्विड नहीं बनता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं भैया? ऊर्ध्वपातन, यानी जब किसी ठोस को गर्म किया जाए और वो बिना द्रव में बदले, द्रव ना बदले, सीधे गैस में बदल जाए, तो उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। और अगर कोई गैस को जमाया जाए यानी ठंडा किया जाए, उसके ताप को कम किया जाए, तो वो ठोस बनती है, तो इस क्रिया को कहते हैं दृढ़ीकरण, यानी दृढ़ होता है अर्थात मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। अगर किसी ठोस को हम गर्म करें और वो पिघल जाए, द्रव में बदले, तो क्या कहलाएगा, इस क्रिया को कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन। और अगर द्रव को ठंडा किया जाए और वो जम जाए यानी ठोस बन जाए, जैसे पानी को ठंडा करते हैं बर्फ बन जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं जमना। क्या कहते हैं भैया? जमना, यानी ठोस द्रव का जमना। फिर अगर हम द्रव बना और द्रव से बने गैस, द्रव बने और द्रव से क्या बन जाए भैया? गैस बन जाए, तो इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, ठीक है ना। और अगर गैस को ठंडा किया जाए और वो द्रव में बदल जाए, ठीक है ना, तो इस क्रिया को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। ये होती है हमारी अवस्था परिवर्तन, यानी इस प्रकार से पदार्थ हमारे अवस्था में बदलते हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, ठीक है ना, द्रव से ठोस, गैस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से गैस और गैस से ठोस। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन किस क्रिया को क्या कहते हैं, ये भी आपने समझ लिया, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, है ना, इतनी कंजूसी मत दिखाया करें भैया, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, आप भी फायदा उठाएं, अपने फ्रेंड्स भी फायदा उठवाएं, बताएं उनको कि यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और छोटी मोटी डेफिनेशन को लेकर चलते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारी छोटी सी डेफिनेशन, अभी जैसे कि शब्द हमने आया, एक गलन शब्द आया था, है ना, क्या आया था? गलन, गलन शब्द आया था। क्या होता है गलन? इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं भैया? मेल्टिंग। इंग्लिश जरूर पढ़े बेटा, आप बहुत छोटे हैं, नाइन्थ क्लास है आपकी, साइंस है, लेकिन इंग्लिश वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ,
तो देखिए गलन माने क्या होता है, पिघलना होता है। गलन माने क्या होता है, पिघलना होता है, यानी किसी अगर जब ठोस को गर्म करेंगे तो पिघलेगा। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा डालडा जमा होता है, जम जाता है ना डालडा पूड़ी बनाने के लिए, जब उसको कढ़ाई पे डालते हैं तो जब कढ़ाई पे डालते हैं और गैस जलाते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाता है, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इस घटना को ही हम गलन कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, ठीक है ना, गलन जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह, या गर्म किया जाता है लिखते हैं, या गर्म करते हैं तो वह, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता, तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। किसमें भैया, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। यह प्रक्रिया या यह क्रिया गलन कहलाती है। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, या लिख दे कि जब किसी ठोस का ताप बढ़ाया जाता है, उसको ऊष्मा दी जाती है, तो वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, अर्थात ठोस से पिघलने लगता है, बहने लगता है। इस घटना को ही या इस क्रिया को ही हम गलन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। एक बार आप फिर से दोहरा लीजिए कि जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, यह क्रिया गलन कहलाती है, ठीक है ना। अब चूंकि कोई पदार्थ गलता है, पिघलता है, तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है कि ये इतने पर पिघलेगा। जैसे हमारा लोहा होता है, आयरन ठोस होता है ना, लोहा तो ठोस होता है आप सभी जानते हैं, लेकिन इसको 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाए तो ये भी द्रव में बदल जाता है। तो एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिसे हम लोग कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं, गलनांक। तो अगली हेडिंग हमारी जो शुरू होती है वो गलनांक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। क्या कहेंगे भैया, गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब बहुत छोटी सी डेफिनेशन इसके लिखेंगे, सिंपल डेफिनेशन है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर, ठीक है ना, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कहां पर जाता है भैया, द्रव अवस्था में परिवर्तित, ठोस से क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, ठोस से द्रव बन जाता है, गलनांक कहलाता है। आ गया होगा समझ में कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। एक बार फिर से दोहराएंगे ताकि आपको याद हो जाए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पास जो बर्फ होती है, यानी पानी कितने पर जमता है, सॉरी पिघलता है, बर्फ कितने पर पिघलती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघलना प्रारंभ हो जाती है, तो वो कहलाता है बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इस तरह से ये आपकी गलनांक हो जाती है, समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा ये है गलन की गुप्त ऊष्मा,
ठीक है ना। गलन की गुप्त ऊष्मा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, क्या होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। तो भैया अगली टॉपिक है जो हमारा वो है गलन की गुप्त ऊष्मा, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट, LATENT, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ के एक ग्राम को, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे किसी ठोस पदार्थ के एक ग्राम, यानी वन ग्राम मात्रा लेनी, कोई भी ठोस पदार्थ हो उसकी वन ग्राम मात्रा को उसके गलनांक में, वन ग्राम मात्रा को उसके, वन ग्राम मात्रा को उसके गलनांक पर द्रव में, उसके गलनांक पर द्रव में, ठीक है ना, एक ग्राम मात्रा लेना है कोई भी ठोस पदार्थ हो और उसके गलनांक जितना उसका गलनांक हो उसी गलनांक के पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए, द्रव में परिवर्तित करने के लिए ठीक है ना, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा करने के लिए किसी पदार्थ ठोस पदार्थ के एक ग्राम मात्रा को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। किसी ठोस पदार्थ के एक ग्राम मात्रा को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती। एक ग्राम मात्रा को पिघलाना है, द्रव में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए जितनी ऊष्मा, जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो हमारी कहलाएगी गलन की गुप्त ऊष्मा। इन सबको साफ करते हैं और आगे टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा हिमीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग, हिमीकरण, फ्रीजिंग। हिम माने क्या होता है भैया, हिम माने होता है बर्फ, हिम माने बर्फ, और बर्फ क्या होती है, जमी हुई होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो परिभाषा हमारी यही बनती है कि किसी द्रव का अगर हम ताप घटाएंगे, यानी उस द्रव को अगर हम ठंडा करते हैं, तो वह धीरे धीरे जमने लगता है, ठीक है ना, वह धीरे धीरे जमने लगता है अर्थात ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है ना। ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की इस घटना को ही हिमीकरण कहते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होती है डेफिनेशन और क्या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या कि जब किसी ठोस को जब किसी ठोस को ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जब किसी द्रव को, है ना, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो जाती है ना, ये तो इंसानों से होती है भाई,
हमसे भी हो गई, आपसे भी हो जाएगी। सो टेंशन लेने का नहीं कि जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं, जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो वह करते हैं तो जो वह ठोस अवस्था में, जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, है ना। जब हमने बताया ना कि जब जैसे पानी को होता है, बर्फ होता है, फ्रीजर में हम रख दे पानी को, तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा और वो द्रव से ठोस में बदलने लगा, परिवर्तित होने लगता है, अर्थात जमने लगता है, अर्थात जमने लगता है। तो यह क्रिया या यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहना है ना। जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता, अर्थात जमने लगता है। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? हिमीकरण। आ गया होगा समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि एक जैसे कि हिमीकरण होता है तो यह प्रक्रिया हिमीकरण हो जाती है। अगला एक टॉपिक आता है हिमांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी अभी आपने लिखा कि द्रव को ठंडा करते तो ठोस में बदलने लगता है, तो एक निश्चित ताप होगा, निश्चित टेम्परेचर होगा जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। जैसे द्रव यानी पानी, पानी का हिमीकरण क्या है, हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है तो इस प्रक्रिया का हिमांक, वो निश्चित ताप क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाता है। तो लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लेकर आया हूं आपके लिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठीक है ना, किस में भैया, ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हिमांक कहलाता है। परिवर्तित हो जाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? हिमांक। बहुत छोटी सी डेफिनेशन, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, हिमांक कहलाता है। जैसे कि जल का हिमांक या बर्फ लिख सकते हैं ना, बर्फ कितने पर जमती है, बर्फ का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है भैया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बर्फ का हिमांक, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी, हिमीकरण और हिमांक। अगली हेडिंग शुरू होती है वाष्पन, वेपोराइजेशन इंग्लिश में कहते हैं वाष्पन, ठीक है ना, वेपोराइजेशन। क्या लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी निश्चित ताप एवं दाब पर, वह प्रक्रिया जिसमें, वह प्रक्रिया जिसमें किसी निश्चित ताप, वह प्रक्रिया जिसमें किसी निश्चित ताप एवं दाब पर, वह प्रक्रिया जिसमें किसी निश्चित ताप एवं दाब पर, है ना, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और पार्टिकुलर प्रेशर, निश्चित ताप एवं दाब पर कोई द्रव, वह प्रक्रिया जिसमें किसी निश्चित ताप एवं दाब पर कोई द्रव
कोई द्रव गैस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है ना, वह प्रक्रिया जिसमें किसी निश्चित ताप एवं दाब पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, किसमें आता है भैया, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती भैया, वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाएगी, वाष्पन, यानी कोई द्रव का द्रव से गैस अवस्था में भाप बनकर निकलना वाष्पन कहलाता है। जैसे आपने खाना बनाया होगा, भोजन बनाया होगा, है ना, चाय बनाई होगी, तो पानी को जब हम बॉयल करते हैं तो वो बॉयल उबलने से पहले उसमें भाप निकल लेती है सनसनाहट के साथ, इस तरह से। अगर ये हमारे पास कोई कटोरा है और इसमें हमारा पात्र गर्म हो रहा है द्रव, तो ऐसे ऐसे भाप निकलने, है ना, इस क्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं भैया, वाष्पन, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में, क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। ठीक, अब आगे छोटा सा टॉपिक और चलते हैं अगली हेडिंग पर, अगली हेडिंग है हमारी क्वथन। क्वथन जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग, क्वथन माने होता है उबलना। क्या होता है, उबलना, पहले गैस बनती है और अगर हम उसको गर्म करते नहीं कंटिन्यू, तो एक निश्चित ताप पर क्या होता है, ये उबलने लगता है। तो लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव को, किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर, वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर वह उबलने लगता है, उबलने लगता है, क्वथन कहलाती है। क्वथन कहलाती है ना, बहुत तेज कढ़ाई में तेल भरा होता है और गैस को गर्म करते रहे तो क्या होता है, कोयल खोलने लगता है, उबलने लगता है ना, तो खोलने या उबलने की प्रक्रिया को ही क्वथन कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर वह उबलने लगता है, क्वथन कहलाता है। अगली एनी हमारी क्वथनांग, क्या भैया, क्वथनांग, इंग्लिश में कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप, या बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ठीक है ना, क्या होता है भैया, उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है, क्वथनांक दोहरा लीजिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, ठीक है ना, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कितना होता है भैया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आया समझ में, थैंक यू, जय। आज के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और आज से आगे के टॉपिक जो होंगे वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आ जाए, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो भैया कंजूसी ना करें, एक लाइक जरूर कर दिया करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।